हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सॉरी गाइस, मैं कुछ टाइम से एक्चुअली कुछ मंथ से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी टाइम से बिजी था। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं सहस्त्रधारा, तो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगा और आज का ब्लॉग हमारा सहस्त्रधारा का होगा। सो लेट्स गो देयर गाइस। हमारे साथ ये दो नूबड़े जा रहे हैं, एक ये श्रीमान बंटी है और एक हमारे फौजी साहब हैं। सर हाय बोल दीजिए। गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, तुम्हारा भाई चलाएगा। गाइस ये बेचारा, इसको स्कूटी आती नहीं चलानी, बट ये फिर भी स्कूटी चलाना चाहता है। लेकिन आज गाइस गाड़ी चलाएगा। नहीं भाई, आज हम सहस्त्रधारा जाना चाहते हैं लेकिन कहीं। चलो गाइस देखते हैं इसकी ड्राइविंग आज हम देखते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं ही चलाऊंगा, तो आगे तुम्हें डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। और ये गाइस हम निकल चुके हैं अपने सहस्त्रधारा की। हमारे साथ आज दो भाई लोग हैं जो कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं। फौजी साहब, आप देहरादून घूमना चाहते थे, आपको हम घुमा नहीं पाए क्योंकि आप बहुत लेट आए हैं। प्लान जाने का था हमारे ऋषिकेश राफ्टिंग का, फिलहाल के लिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं। So guys, इन्होंने खलंगा देखा नहीं तो मैं इनको खलंगा के रास्ते ले आ रहा हूँ। गाइस तो आप चलने के रेडी हैं क्या? बिल्कुल गाइस। और गाइस अब हम निकल चुके हैं सहस्त्रधारा के लिए। फाइनली अब हम खलंगा, मैंने दोस्तों को घुमा दिया है। एक्चुअली उन्होंने मना करा कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, मैं डायरेक्ट सहस्त्रधारा जाना है, तो हम डायरेक्ट सहस्त्रधारा जा रहे हैं इस रास्ते से। ये रोड भी अच्छा है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन यहाँ रोड बन चुकी है मस्त, तो मैं डायरेक्ट मालदेवता के शॉर्टकट पर लेके जाएगा जो कि केसर वाला से निकलता है, तो वहाँ से सहस्त्रधारा के रास्ता है। आप पूरा व्यू में देख सकते हैं। वैसे यहाँ के लिए ऐसा है कि यहाँ पर आप लोग अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आ सकते हैं आराम से, मतलब पूरी शांति जगह है, लेकिन अकेले ना आए क्योंकि यहाँ पे जानवरों का डर भी रहता है, यहाँ पे चीता वगैरह घूमते रहते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल परफेक्ट बना रखी है, इतनी प्यारी रोड बना रखी है कि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे स्कूटी लोग सीखने भी आते हैं और यहाँ पे लोग अपनी आर्मी की ट्रेनिंग, कोई भर्ती जो भी ट्रेनिंग कर रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, सब यहीं पर आते हैं दौड़ भाग के लिए। सुबह आ जाते हैं बच्चे और शाम को भी आते हैं। अभी तो खैर सब रेस्ट में, तो अभी आपको कोई दिखेगा नहीं, बट ये रोड पहले नहीं थी इतनी अच्छी, अभी उन्होंने रोड बहुत प्यारी बना दी है। हम स्ट्रेट जाएंगे और फ्रॉम लेफ्ट होकर के डाइवर्जन होकर के हम सीधा सहस्त्रधारा चलेंगे। वैसे ये रास्ता बहुत बढ़िया है, बट ये रोड पूरी मालदेवता की है, ये रास्ता पूरा मालदेवता जाता है। यहाँ पे आप जितने भी जगह जाते हैं, हट्स हैं, कैफे वगैरह बहुत सारे खुले हैं, आप यहाँ पे आके इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आगे पूरा ऊपर मालदेवता का, यहाँ से आप दोबारा जा सकते हैं ऊपर के। बाकी इस टाइम पर हम मालदेवता इसलिए जा रही क्योंकि गाइस गर्मी बहुत हो चुकी है, हीट वेव बहुत ज़्यादा चल रही है इंडिया में, सबसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है, और तो इस कारण हमारी वैसे भी नदी सूखती थी लेकिन इस बार बहुत कुछ ज़्यादा ही सूखी है, तो हम इस बार मालदेवता नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत गर्मी ऑलरेडी, और नदी नाम की चीज़ नहीं है और धूप में बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम सहस्त्रधारा जा रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे अभी आप देख सकते हैं इतने सारे लोग मिलेंगे आपको कि पूरा आधा देहरादून और लोग इवन दिल्ली से जो लोग घूमने आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जहाँ जहाँ से आते हैं हिमाचल, तो वो यहाँ पे आकर के ऐसी जगह पे जाते हैं क्योंकि मालदेवता में एक तो विंटर के टाइम पे बढ़िया रहता है और एक आपका रेनी सीजन टाइम पे, तो अभी मानसून वगैरह कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से आगे चलते हैं, फिर आपको अब हम आगे मिलते हैं डायरेक्ट। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट आगे मालदेवता का रास्ता, और ये है रास्ता आपका सहस्त्रधारा, मसूरी भी जाता है रास्ता, हम इस रास्ते जाएंगे। रोड बहुत प्यारी बन रही है और पूरी बिल्कुल प्लेन है, सीधी रोड है, अभी रहती है, अभी सब सूख रखा है तो बहुत गर्म है। पहले ये रास्ता अभी बना है, ये पुल अभी बना है, पहले हम उधर से जाते थे, पहले हम इस गाँव से पीछे पीछे रास्ते से जाते थे, आप देख सकते हैं। गाइस तो बस हम बस जस्ट पहुंचने वाले हैं, अब हम आपको डायरेक्ट सहस्त्रधारा में पहुंचेंगे क्योंकि अभी चेक पॉइंट आएगा। चेक पॉइंट में गाड़ी का ये है कि एक्चुअली जैसे जितनी बड़ी आपकी गाड़ी है, जैसा आपकी कार है, फोर व्हीलर है तो उसके अलग चार्ज हैं और टू व्हीलर के अलग चार्ज हैं। अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो आप खुले पैसे जरूर रखें, प्लीज़ गाइस यहाँ पर गंदगी ना बचाइएगा। गाइस देख सकते हैं, तो ये भी पुल अभी नया रिसेंटली बना है, पहले हम उस रास्ते जाते थे,
बट अब ये पुल आप देख सकते हैं बढ़िया पुल बनाया गया है, पबजी का ब्रिज बना दिया। ये तो पबजी वाला ब्रिज लग रहा है, यहाँ पे ब्रिज कैंप हो सकता था आराम से आएगा। ये डेवलप हो रहा है हर ईयर, यहाँ पे काम होता रहता है, एक्चुअली हर मंथ होता है, बट मतलब टूरिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है अगर जब ज़्यादा भीड़ होती है तब यहाँ पे काम नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पे रेनी सीजन के टाइम और विंटर के टाइम पे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि इस टाइम पे टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइम पे लोग आते हैं। समर के टाइम पे देख सकते हैं यहाँ पे लोग ऑटो बुक करके आ रहे हैं, लोग यहाँ पे बस से आते हैं, बस स्टॉप भी आगे हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं सब बस स्टॉप है यहाँ पे बढ़िया सा, जो कि वो भी अभी डेवलप हो चुका है। पहले एक नॉर्मल था बस स्टॉप का, अब उन्होंने बस स्टॉप को भी बहुत बढ़िया बना दिया। तो आप गाइस देख सकते हैं डेवलपमेंट कितना ला रहे हैं, तो इसी डेवलपमेंट के लिए हम वेट कर रहे थे और डेवलपमेंट हो रहा है इस एरिया में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग टूरिस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। और अगर यहाँ की रोड अच्छी नहीं होगी, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होगी, यहाँ की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो लोग यहाँ नहीं आएंगे। और जितने भी हमारे लोकल लोग हैं यहाँ पे जो अपना काम जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करा है, जैसे कैफे वगैरह दुकानें वगैरह, तो उनका काम नहीं चलेगा अगर यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, तो लोग यहाँ आएंगे ही नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बस का बन रहा है, यहाँ देख सकते हैं ये पार्किंग का है, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ है बस और कार की पार्किंग के लिए अलग से प्लॉट बना रखे हैं वहाँ, डायरेक्ट 10,000 मिलते हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। गाइस मास्क इंपॉर्टेंट है, मास्क पहन के जरूर आइएगा। तो गाइस आज इतनी भीड़ है नहीं, बट एक्चुअली आगे भीड़ होगी, यहाँ पे मंदिर है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा मार्केट है, वहाँ पे कोई बाबा हुआ बैठा है, यहाँ पे भी नहाने का बढ़िया है। गाइस तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, गुफा मंदिर, एक टाइप की गुफा है मिनी। एक्चुअली हम बहुत लेट हो चुके हैं यहाँ पे मंदिर जाने के लिए, तो अभी हम मंदिर जा नहीं रहे हैं, तो अब हम डायरेक्ट यहाँ से सैजरा नहाने जा रहे हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट वहीं भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं जॉयलैंड है, टाइप ऑफ झूले झूले हैं। गाइस यहाँ पे इतने सारी दुकानें हैं कि आप कहीं पर भी अपना अच्छा खासा लंच कर सकते हैं, लंच करने के लिए एक से एक यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप है। लोग देख सकते हैं आप दिल्ली हरियाणा कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर भी कम भीड़ है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आगे बहुत भयंकर भीड़ है। एक्चुअली आपको यहाँ पे रूम भी मिल सकते हैं नॉन एसी, एसी, जहाँ आप रुक सकते हैं आराम से अगर आप लेट हो गया तो। गाइस तो आप देख सकते हैं ये रोप वे रास्ता सैजदार में, पहले 150 था, इन्होंने 200 कर दिया अप डाउन का, देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाने का। एक्चुअली ऊपर मंदिर है, मंदिर वगैरह है ऊपर, ये आप रोप पे देख सकते हैं, टॉयलेट रेस्टरूम ये सब बना रखे हैं आप देख सकते हैं। सब डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं बाकी। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे आज के दिन इतनी भीड़ नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, आई डोंट नो लोग कम क्यों आए हैं, बट आप देख सकते हैं उधर रोप पे है। फाइनली हम सहजारा पहुंच चुके हैं, यही आपका सहजारा डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां पाना चाहते हैं। बाकी हम यहाँ से नीचे चलेंगे। गाइस आप थक गए हैं क्या? मैं थक गया भाई। फौजी साहब थक चुके हैं सर, चलिए सर। ये एक मिनी वाटरफॉल है, बट हमने एक्चुअली आगे जाना था, आगे चलते हैं। गाइस सर क्या हुआ आपको? इतनी शोर वाली जगह हमको बिल्कुल पसंद है, हम आगे चलेंगे। गाइस तो हम कोई शांत सी जगह ढूंढ रहे हैं, वैसे इतनी भीड़ नहीं है यार, आराम से आ सकते हैं यार, देख इतनी खास भीड़ है नहीं।
ये फौजी साहब ऊपर बॉर्डर कैचिंग कुचिंग कराते हुए। बहुत ही बढ़िया सर, आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है यहाँ? ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ओके सर, और कुछ? बंटी जो हमारे भाई हैं बहुत शर्माते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया है। हमारे बंटी भाई को है दिक्कत की उनको जूते रखने हैं, अपना बैग रखना है, ठीक ना? नहीं उस तरफ जाते हुए देखो, उस पर सीढ़ियाँ नहीं है जाने के लिए उस तरफ, वो कहना चाह रहे कि उस साइड सीढ़ी नहीं है। ऊपर आप यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, मैं आपको अभी पूरा व्यू दिखाता हूँ। हाँ चलो स्विमिंग। गाइस यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल ये है, अभी आपने लॉकर ले सकते हैं, यहाँ पे अपने कपड़े रख सकते हैं जो कि शायद 50 रुपये है। चेंजिंग रूम में भी है गर्ल्स के लिए जो कि अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको ये ट्यूब वगैरह मिल जाएगी। तो आप अब हम चलते हैं डायरेक्ट वहीं, तो हम चलते हैं स्विमिंग पूल पे, तो हमें जाना है यहाँ, लेकिन हम यहाँ नीचे कूद नहीं सकते तो हम यहाँ से सीढ़ियाँ लेकर के जाएंगे। तो सर बोल रहे हैं कि इनको एडवेंचर नहीं लेना है क्योंकि अभी इनको जो बंटी भैया हैं वो अभी भर्ती नहीं हुए हैं, तो उन्होंने बोला है कि उनको भर्ती होना है और अपने हाथ पैर नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो वो मुझे आगे भेज रहे हैं। बट पहाड़ी है, हम कहीं भी चढ़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो हम अब इनको लेके चलेंगे अपने साथ। गए आराम से आना, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे आना। ये देखिए गाइस इतना सिंपल था, ये बेचारे डर रहे हैं इतने से, साले पहाड़ी होकर के तुम डर रहे हो। चलते हैं, चलिए तो गाइस हम इस स्विमिंग पूल में और जस्ट अब हम यहाँ पे नहाएंगे। तो गाइस फाइनली मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, हम पहुँच चुके हैं सहजदारा, यही था, अब हम इसके बाद हम डायरेक्ट घर जाएंगे और जस्ट हम यहाँ पे फन कर रहे हैं। तो गाइस चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।